तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे में द सबसे ज्यादा पावरफुल आइस के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपनी फेवरेट आई कमेंट्स में जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, और ये है द डीमन आई सोल ईटर एनिमे से। द डीमन आई विच क्वीन माबा की लेफ्ट आई है, और डीमन आई इसके यूजर को अलाउ करती है मैजिक यूज करने का जो सिर्फ माबा यूज कर सकती थी। लेकिन डीमन आई के पास फाइनाइट एनर्जी है और उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है स्पेल्स यूज करने के बीच में। डीमन आई का यूजर स्पेशल मैजिक, आइस मैजिक और यहाँ तक कि डीमन आई कैनन भी यूज कर सकता है, और करेंटली ये डीमन आई फ्री के पास है। नंबर 9 पर है जगनशिस, या फिर शॉर्ट में जगन। जगन थर्ड आई की तरह ऐड करती है यूजर के, और उसकी पावर्स और एबिलिटीज मेजरली इंप्रूव हो जाती है। जगन यूजर को देती है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, माइंड रेजिस्टेंस, रिमोट व्यूइंग, हाइटेंड सेंसेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, डिमोनिक फायर मैनिपुलेशन और जगन शिव फॉर्म, जिसमें यूजर के पास मल्टीपल जगन आयत आ जाती है और उसकी पावर्स मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाती हैं। नंबर 8 पर है जोगन, बोरुतो एनिमे से। जोगन एक यूनिक डोजुत्सु है जो सिर्फ ओदोत्सुकी क्लैन इन ऐड करता है। जोगन आई यूजर को कुछ कमाल की एबिलिटीज देती है, जैसे कि चक्र के फ्लो को डिटेक्ट करना, नेगेटिव एनर्जीज को पिन पॉइंट करना, बैरियर्स के आर पार देखना, डायमेंशंस को कनेक्ट करना, अपकमिंग डेंजर को प्रेडिक्ट करना, पोर्टल्स के लोकेशन को प्रेडिक्ट करना और बहुत कुछ जो हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी हमें जोगन के पावर्स के बारे में और पता चलेगा। नंबर 7 पर है गियास, कोड गियास एनिमे से। गियास अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंटली मैनिफेस्ट होती है यूजर की इनर डिजायर्स और पर्सनालिटी से रिलेट होके। गियास की पावर्स इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे यूजर्स उसे यूज करता है, लेकिन अगर यूजर की विल पावर कमजोर है तो गियास यूजर को ओवर पावर करके कंज्यूम कर लेगा। हर गियास यूजर की अलग पावर्स होती है, जैसे कि लेलाउस की एब्सोल्यूट ओबीडियंस, माओ की गियास माइंड रीडिंग, चार्ल्स की मेमोरी ऑल्टरेशन गियास और भी काफी सारी। नंबर 6 पर है ब्याकुगान, नारुतो एनिमे से। ब्याकुगान एक केके गिनकाई है जो ओतोत्सुकी क्लैन से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन फिर ओतोत्सुकी के डिसेंडेंट्स युगा क्लैन से इसे एसोसिएट किया जाने लगा। ब्याकुगान यूजर को नंबर ऑफ पावरफुल एबिलिटीज देता है, जैसे कि एब्सोल्युटली फ्लूइड 360 डिग्री फील्ड विजन, जिससे वो पूरे एरिया को कंट्रोल में ले सकते हैं, टेलीस्कोपिक विजन जिसके डिस्टेंस यूजर टू यूजर वेरी करती है। ब्याकुगान यूजर एनिमी के चक्र फ्लो शारिंगन से ग्रेटर एक्सटेंट तक दिख सकता है, जिससे वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक भी कर सकता है। नंबर 5 पर है अल्टीमेट आई फुल मेटल अल्केमिस्ट से। इस अल्टीमेट आई को वील्ड करता है रैथ, जो उसे एक्स्ट्रा सेंसरी विजन तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पावरफुल प्री कॉग्निशन एबिलिटी भी देती है, जिससे रैथ अपने ओपोनेंट्स के सभी अटैक्स और वेरिएबल पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है और सबसे इफेक्टिव वे में एक्शन ले सकता है। अल्टीमेट आई की वजह से रैथ परफेक्टली किसी भी सिचुएशन और ओपोनेंट के हिसाब से अटैक कर सकता है, और परफेक्ट एफिशिएंसी से अटैक और डिफेंड भी कर सकता है। नंबर 4 पर है शारिंगन, नारुतो एनिमे से। शारिंगन भी एक केके गिनकाई है जो ओशिया क्लैन से एसोसिएटेड है। जब एक इंडिविजुअल एक पावरफुल इमोशनल कंडीशन एक्सपीरियंस करता है तो उसका शारिंगन अवीकन होता है, और शारिंगन सेवरल स्टेजेस में ग्रो होता है, सिंगल डोमो से लेकर 3 डोमो शारिंगन तक, और उसके बाद शारिंगन मांगे क्यू शारिंगन में इवॉल्व होता है। शारिंगन यूजर को अल्टीमेट पावर्स देता है, जैसे कि चक्र को देखना, किसी भी मूवमेंट को मिमिक करना, किसी भी जुत्सु को कॉपी करना और अपने ओपोनेंट को गेंजुत्सु में ट्रैप करना। नंबर 3 पर है तेंसेगन, नारुतो एनिमे से। तेंसेगन को अवेकन करने के लिए ओतोत्सुकी क्लैन के मेंबर का चक्र और ब्याकुगान चाहिए होता है, और अवेकन होने के बाद तेंसेगन यूजर को अल्टीमेट पावर्स देता है, जैसे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के ऊपर कंट्रोल, उसी के साथ साथ चक्र मोड जो यूजर को एक्सेप्शनल स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी देता है। यूजर को एक्सेस मिलता है ट्रूथ सीकिंग ऑब्स का, जो एक अल्टीमेट जुत्सु है पूरे नारुतो वर्स में, और बहुत सी अल्टीमेट एबिलिटीज जिसे हम देख नहीं पाए प्लॉट आर्मर की वजह से। नंबर 2 पर है गोजो की 6 आई जुत्सु काइजन एनिमे से, जो गोजो को अलाउ करती है वर्ल्ड को एटॉमिक लेवल पर देखने और प्रोसेस करने का। और गोजो 6 आई की वजह से ही अपनी लिमिटलेस एबिलिटी यूज कर पाता है, कर्स्ड एनर्जी के अमाउंट को वर्चुअली जीरो तक ऑल्टर कर सकता है। आइस कवर होने के बावजूद गोजो सब देख सकता है, और 6 आई कवर होने के बाद भी इनक्रेडिबली पावरफुल है, लेकिन वो बियॉन्ड पावरफुल हो जाती है जब वो फुल्ली कर्स्ड एनर्जीज और आसपास की दुनिया को देख रही होती है। नंबर 1 पर है रेनेगन, नारुतो एनिमे से। रेनेगन सबसे अल्टीमेट आई कंसिडर की गई है, और बिल्कुल सही रीजंस की वजह से। रेनेगन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल चक्र कंटेन करती है, और कोई भी अनवर्दी यूजर रेनेगन को झेल नहीं सकता है, और रेनेगन की असली पावर उसका ट्रू ओनर ही बाहर ला सकता है अपने दोनों रेनेगन से। लेकिन जिसके पास अगर एक रेनेगन भी है तो उसके पास भी ओवरवेलमिंग पावर्स का एक्सेस होता है, जैसे किसी भी जुत्सु को इजीली मास्टर करना और सभी अल्टीमेट 6 पावर टेक्निक्स को यूज करना। एक ट्रू रेनेगन यूजर लाइफ और डेथ के ऊपर हो जाता है अपने रेनेगन की मास्टरी से, और आसान भाषा में बोले तो रेनेगन तुम्हें एक गॉड बना सकता है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, इनमें से अपनी फेवरेट आई कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियोस पसंद है
तो एनिमेडी अपने एनिमेशन पाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।